हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशा लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे नारियल की बर्फी की रेसिपी। सो ये नारियल की बर्फी बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक स्टाइल में है, बिल्कुल मार्केट जैसी जो हलवाई बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही, और बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार अगर इस स्टाइल से बनाएंगे तो आप हमेशा हर फेस्टिवल में ये मिठाई बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है। आप अगर कटोरी से लेंगे तो आप 2 कटोरी दूध ले सकते हैं, कोई भी कटोरी जैसी आपके पास हो, मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़, आप 2 कटोरी दूध लेना। और फिर उसको हम इसको बॉईल आने देंगे, और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे साथ में। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध और चीनी लिया है, मैंने 1/2 कप। तो मैंने चीनी इसलिए कम दिया है बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा मीठा कम भी खाना है, और मैंने यहाँ पे आगे जाके इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है, तो इसलिए चीनी मैंने कम डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मतलब आप कम से कम 1 कप चीनी डाल सकते हैं। और इसके बाद बॉईल आ गया है तो हम यहाँ पे डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/2 कप मैंने शुगर डाल दी है, तो इसलिए इसका जो मीठा है वो एकदम इक्वल हो गया है 1 कप। तो यहाँ पे हम 1/2 कप जो मिल्क पाउडर है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे बॉयल दूध में, और मिक्स करते जाएंगे ताकि जो लम्स हैं वो ना पड़े। तो इस तरीके से आप ये देखिए, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते जाएंगे, तो इससे लम्स नहीं पड़ेगा और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एकदम गाढ़ा सा इसका दूध बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चलाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो लम्स हैं भी थोड़े बहुत तो वो हट जाए। तो हम इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे, और ये देखिए इसका दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नारियल, क्योंकि हम नारियल की बर्फी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नारियल लेंगे 1.5 कप। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 कप नारियल डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी का जो 1/2 कप है वो हम इसको एक बार मिक्स करके फिर हम डालेंगे। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए, उसके बाद हम जो बाकी का बचा 1/2 कप है वो भी डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है, और 1.5 कप नारियल, और शुगर 1/2 कप, और मिल्क पाउडर 1/2 कप लिया है। तो ये है 4 इंग्रेडिएंट्स, और हम इसी से एकदम स्वादिष्ट से एकदम हलवाई जैसी नारियल की बर्फी रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर गाढ़ा हो गया है, तो बस हमें इसे एकदम अच्छे से सुखाना है, एकदम जो बर्फी वाला टेक्सचर है वो लाना है। तो अभी ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, ये इससे बर्फी सेट नहीं होगी, तो हमें इसे लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स करते हुए इसको गाढ़ा करते जाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ रहा है, फटाफट से हम मिक्स करते हैं, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट और लगेंगे, और इसमें जो हमारा नारियल का बुरादा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और एकदम सॉफ्ट वाली हमारी नारियल की बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, मतलब ये बर्फी सेट होने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, हम यहाँ पे घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा, बिकॉज हम यहाँ पे जब बर्फी सेट करेंगे तो हमारे दोनों साइड बर्फी में थोड़ा थोड़ा नारियल का सूखा बुरादा होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे सारा मिक्सचर डाल देते हैं नारियल बर्फी का, और इसको इस तरीके से हम सेट कर देंगे। इसके ऊपर आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने इसमें ओनली पिस्ता यूज़ किया है। और अगर आपको इसको केसर वाली नारियल बर्फी बनानी है तो आप इसके दूध में थोड़ा सा केसर यूज़ करेंगे तो ये केसर वाली नारियल बर्फी बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पिस्ता डाल दिया है, और इसको अब हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, फिर उसके बाद 1/2 आवर आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको कट किया और कितनी ईजिली ये निकल गई है, और बहुत ही अच्छे शेप में ये रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बर्फी बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग को ये मेरी सिंपल सी नारियल की बर्फी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।